ओके गाइस, सो हम पहुंच गए हैं सीधे शादी में। और ये सारे जो मेंबर हैं आपको दिख रहे हैं, सब फैमिली मेंबर हैं। ये सब जाने पहचाने हुए होंगे आपको, बिकॉज आप सब देख चुके हो इनको राजस्थान में। और क्योंकि ये सारे फंक्शन बेसिकली, हाँ, ज़्यादातर तो शादी राजस्थान में ही होती है, जो घर आपने देखा होगा। बट ये वाली शादी बॉम्बे में हुई है और बाकी कुछ चीज़ें राजस्थान में हुई हैं, वो वाले वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। बट ये सारे वीडियो दिखाने के बाद तो हालांकि मैं, हम लोग नहीं गए थे, बट मम्मी पापा गए थे। जितनी भी रस्में थी वो राजस्थान में भी निभाई गई हैं, तो उनके वीडियो भी मेरे पास हैं एक दो। सो मैं वो सबसे लास्ट में आपको दिखाऊंगी। बेसिकली सारी मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, आप देख रहे हो ना, ये सब मुझसे बड़ी हैं। और ये हैं दूल्हा दुल्हन जो आप देख रहे हो, ये डांस कर रहे हैं दोनों, इनका हल्दी फंक्शन है। सो ये मेरे देवर जी हैं जिनका नाम है ऋषभ, और ये उनकी होने वाली वाइफ जिनका नाम है देवांशी। ओके गाइस, सो वीडियो को लाइक करना ज़रूर, और भूलना मत लाइक करना। और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड एंजॉय द वीडियो। और मेरे को नहीं खाना है ज्यादा। अरे खा लो थोड़ा बहुत, तो का एक तो चक्कर आ जाएगा। इतनी दूर की सारी बातें रिकॉर्ड है। अरे आप लोगों वाली, मैं अपना नहीं बोली। ये ही ना, मैं डाइटिंग स्टार्ट करूंगी अभी। की नहीं है की नहीं है, करूंगी। अच्छा अभी करेंगे। ओके गाइस, हम लोग रूम आप में आ गए। ये हमारा रूम है जो मिला हुआ है, और नीचे हल्दी फंक्शन चल रहा है। और दुल्हन को तो दिखाई दिया मैंने, दोनों दूल्हा को नहीं दिखाया, दुल्हन को तो दिखा दिया। दूल्हा भी उसी के बगल में ही खड़ा था। दोनों क्यूट है, और क्या कहते हैं, दोनों की जोड़ी अच्छी है। छोटे छोटे हैं, मतलब देखने में छोटे हैं, बट एज में नहीं होंगे मेरे। नहीं नहीं, छोटे ही हैं। कितने साल? छोटे शायद एक होंगे 23 की, और वो भी 26 से इतने हैं। अच्छा, कमी है। हाँ, तो जो ब्राइड है वो 23 की है, और जो ग्रूम है वो वही 24 या 25। ऐसे ही कुछ है, छोटे ही है, ये सब क्लासमेट्स होंगे। बड़े पापा, बड़े पापा के लड़के की लड़के की शादी। चलो हम लोग जा रहे हैं लंच करने नीचे। मैं तो अभी आई हूँ, इन लोगों ने तो ब्रेकफास्ट भी किया होगा, मैंने तो नहीं किया। एक मोबाइल चाबी की किधर रखी मैं? चलो लॉक कर देती हूँ। एक रखना है तो लेना, रखो। नहीं, मैं अपना एक मोबाइल। हाँ। फिर क्या करना ना, भैया के सामने ही करवाना, ऐसे नहीं करवाना, वो उठाएगा। हाँ, वो सामान भी ऐसे टूट टाट ना जाए। हाँ, करने के टाइम ही देखेंगे बस, और कुछ नहीं। एक बार थोड़ा फिर भी देखना पड़ेगा ना, थोड़ा चारा खराब कर दिया, हल्दी लगा दी। हम लोग है नीचे का नजारा होटल के, अभी हल्दी हो गई है। अब कौन सा, मेहंदी हो गई ना? नहीं नहीं, मेहंदी कम हुई है, हल्दी हुई है जस्ट। मेहंदी के लिए तो यार मैं ऑलरेडी पहनी हूँ, मैं चेंज नहीं करूंगी। अब फाइनल शादी पे ही चेंज, शाम को करना है। हाँ। बार बार कौन चेंज कर रहे हैं? नहीं नहीं, हल्दी हो गई। हाँ
सीधा एक्चुअली ये लोग उधर से आए ना, इसलिए पीले पीले बन के आ गए। हम लोग ये लोग तो बहुत पहले आए हैं, मेन जल्दी से स्टार्ट हुई। मैं सोची कि नहीं होगा, नीचे खड़ी हो यहाँ दिख रहा है, ये मैं ऊपर खड़ी होती, आप नीचे खड़े हो। यहाँ लोग थोड़ी ना, यहाँ है कि अच्छी अच्छी आ रही है। एक हल्दी वहाँ लेना, यहाँ तो कुछ है ही नहीं डेकोरेटिव, वहाँ डेकोरेशन दिया हुआ उधर। चलो अपना बैग संभाले रखना। नहीं नहीं तुम तो चेन वाला ली, बहुत कीमती चेन वाला ली। नहीं मैं वो नहीं कह रही, बैग का कुछ नहीं है, वो तो कीमती चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका भी आ गया, अब इसकी साड़ी दिखी है, अभी पहले नहीं दिख रही, नई स्टाइल की लग रही ना, अच्छी लग रही है। एक्चुअली ये लुक आ गया, हाँ शो एक्चुअली आपका ब्लाउज ही है, ब्लाउज है तो दुबली होगी थोड़ी सी, सच्ची हाँ, मतलब राजस्थान में जब देखा तो उसके कंपैरिजन। आहा नहाने का मन कर रहा है। खाना किधर है? ये नहीं, ये दोनों इधर ही। अच्छा इन्हीं को ये, मैं तो पहले इसी को इसका काम पहले करी, क्या नवा खिला के रात में होगा ना इधर, रात में तो हम लोग ठूठास के आ गए कि जगह नहीं बची है कि एक आइसक्रीम भी खा ली जाए, और ऊपर से थोड़ी देर रेस्ट करके थोड़ा देर सो जाए वो लोग। हिना को नींद आ रही है अभी छाछ पी के, छाछ पीने के बाद एकदम छाछ पीने के बाद नींद आती है। खाना बहुत ही बेहतरीन था, बेहतरीन तो हो गई, अच्छा हो गई, खाना बहुत अच्छा था। मैं और अच्छे से फंक्शन होगा, मायरा का अब हल्दी के बाद फंक्शन होने वाला है मायरा, और कल रात में वो हो गया था मेहंदी फंक्शन हो गया था। हम लोग तो खैर अभी आए, झाड़ू वाड़ू लग रही है, फोटो फोटो मेरा भी करके चलते हैं, मुझे तो कोई लेता ही नहीं है पूरा। अरे ये क्या ऑन करके रहे? इसने साथ नहीं दिया ना, ये ले लेती तो मैं भी ले लेती। छाछ चाय भी ना भरता है, तक घर में भूख लगती थी, बाहर नहीं लगती। हम लोग शाम को नहीं खाएंगे, हम लोग सिर्फ शाम को आइसक्रीम उड़ाएंगे। खाना खाने में क्या है पता आपको? हाँ क्या है? मुझे नहीं पता। आइटम बहुत देखो तो दो दो बता रहे, जितना भी है ना ये सब जो तो आगे चाहिए आइटम। मंकू ये दिया अमित जी वाला लुक। ओके गाइस, सो हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं, एक्चुअली हमारा सामान अभी गाड़ी में ही है, गाड़ी से सामान नहीं निकाला था जब, क्योंकि हल्दी फंक्शन शुरू हो गया था, बहुत लेट पहुंचे थे हम लोग। सो ये है वुड, हाँ वुड स्टॉक एक्रेस विलास एंड रिजॉर्ट, शर्मा फैमिली एंड अग्रवाल फैमिली वेलकम यू, प्रतीक एंड रितु। अब ये किसका नाम लिखा है? ये थोड़े ना नाम है, प्रतीक एंड रितु थोड़े ना नाम है भाई, ये नाम नहीं है, ये किसी और का लगाया पुराना। क्या नाम है? मैं नाम ही भूल गई, वो लिखा है ना ऋषभ। हाँ ऋषभ, ये है ना फोटो लगी है भाई। हाँ हाँ ये है दूल्हा दुल्हन, हमारे जो बड़े पापा है ना उनके बेटे। ऋषभ वेट्स देवांशी, हेयर ऑयल एक ऐसी नेसेसिटी है जो सभी को जरूरत पड़ती है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। तो आज मैं जिस ब्रांड का हेयर ऑयल रिव्यू करने वाली हूँ, वेल आप सभी को बहुत पसंद आएगा, और दैट्स अ वेरी पॉपुलर ब्रांड, दैट इज नेचर श्योर। नेचर श्योर जो अपने सारे प्रोडक्ट डील करता है, सर्व करता है, वो सारे आयुर्वेदा होते हैं, हर्बल होते हैं, एंड 100% नेचुरल होते हैं, और ऑल केमिकल फ्री होते हैं। वेल जब आयुर्वेदा है तो केमिकल की तो कोई बात ही नहीं है। ये है नेचर श्योर का हेयर ग्रोथ ऑयल, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये तो पैकेजिंग है, ये इसकी बॉटल है आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है ये GMP सर्टिफाइड है,
और नेचर श्योर हेयर ग्रोथ ऑयल है, इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो मैंने भी आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। इस ऑयल को परचेज करना चाहते हैं तो इसकी मैं जो लिंक है परचेज लिंक वो डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में डाल देती हूँ।